गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं आपके एंटो का जो कोर्स है N2311 इंसेक्ट पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हमने जो पिछली क्लास ली थी उसमें हमने ग्राम क्रॉप जो है दलहनी क्रॉप है उसके पेस्ट पढ़े थे। इसके बाद आज हम एक पेस्ट की बात करेंगे जो सिंगल है, वैसे उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है लेकिन क्या है एक्चुअली वो भी क्या है पॉलीफेगस पेस्ट की कैटेगरी में आता है। चलिए पढ़ते हैं। तो पेस्ट है टोबैको कैटरपिलर, ठीक है। टोबैको कैटरपिलर जैसे कि नाम से अगर हिंदी में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तंबाकू की सुंडी, ठीक है। लेकिन क्या है ये जो है ये सिर्फ तंबाकू का स्पेसिफिक पेस्ट नहीं है, ठीक है। ये टोबैको के अलावा क्या है बहुत सी जो क्रॉप है उनका एज ए मेजर पेस्ट क्या है उबर क्या है या बात करें उनके अंदर एज ए मेजर पेस्ट क्या है डैमेज करता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट क्या नाम है, टोबैको कैटरपिलर, ठीक है। साइंटिफिक नेम इसका है स्पोडोप्टेरा लिटूरा, ठीक है, स्पोडोप्टेरा लिटूरा। फैमिली नोक्टुइडी और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, ठीक है। तो मैंने आपको अगर याद हो किसी को तो जो मैं इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है तो ये तो अपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है उसकी क्या खास बात होगी कि इसके अंदर क्या है लाइफ साइकिल के अंदर चार स्टेज होगी, ठीक है, एग कैटरपिलर जो भी है प्यूपा और एडल्ट, ठीक है। इस यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको इस फैमिली की एक करेक्टरिस्टिक्स बताया था जो नोक्टुइडी फैमिली है इसके बारे में एक चीज़ बताई थी कि इसका मतलब क्या होता है नॉक्टर्नल, है ना, नॉक्टर्नल यानी कि रात्रिचर। यानी कि इस जो फैमिली के जो भी पेस्ट होंगे उनकी नेचर ऑफ डैमेज क्या होगा कि वो रात के समय अटैक करते हैं, ठीक है। तो फैमिली होगी नोक्टुइडी और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। फिर बात करते हैं होस्ट प्लांट की। तो होस्ट प्लांट में मैंने अभी आपको बताया कि होस्ट प्लांट में अगर बात करें तो टोबैको तो होगा ही होगा, ठीक है, एक तो हो गया टोबैको यानी कि तंबाकू जो आपका है। इसके अलावा ग्राम चने की जो क्रॉप है उसके अंदर ये नुकसान पहुँचाता है, प्लस पोटैटो, ठीक है, टोमेटो, टमाटर में, आलू में। इसके अलावा जो तिलनी जो फसल है बात करें सरसों यानी कि ब्रैसिका जो स्पीसीज है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं उनके अंदर क्या है ये डैमेज करता है। इसको क्या है एज ए पॉलीफेगस पेस्ट के रूप में भी अपने मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है बहुत सी क्रॉप्स को नुकसान पहुँचाता है। फिर बात करते हैं इसके नेचर ऑफ डैमेज की, ठीक है। तो नेचर ऑफ डैमेज में चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या है स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एग लेइंग से, ठीक है। तो इसकी जो एग लेइंग होती है वो लीफ के ऊपर, ठीक है, जो भी प्लांट पार्ट है ना उनके ऊपर क्या है ग्रुप के अंदर, ठीक है, ग्रुप के अंदर एग लेइंग होती है, ठीक है। ऐसे क्या है अलग अलग ग्रुप्स में एग लेइंग होगी और यहाँ से क्या है फिर कैटरपिलर बाहर निकलेंगे, ठीक है, कैटरपिलर निकलेंगे। अब ये जो कैटरपिलर है, ठीक है, कैटरपिलर जो है इनकी नेचर ऑफ डैमेज क्या होता है, स्टार्टिंग में ये क्या रहेंगे ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, क्या है स्टार्टिंग में ये ग्रुप में रहेंगे। यानी कि किसी भी बात करें लीफ हो गया या अदर प्लांट मटेरियल, मेनली लीफ की बात करेंगे क्योंकि लीफ को ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो लीफ पर क्या करेंगे ये बहुत छोटे छोटे होते हैं स्टार्टिंग में जब निकलते हैं इमर्ज होते हैं एग से, तो उसके बाद क्या करते हैं ये ग्रुप में करेंगे नुकसान जो भी करेंगे, ठीक है। यानी कि ग्रुप में एक साथ क्या है एक ही लीफ पर जमा हो जाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे इनके अंदर मोल्टिंग होती है जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है ये क्या है फैलते रहते हैं एक लीफ से दूसरी लीफ पर दूसरे फिर तीसरी फिर क्या है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ऐसे क्या धीरे धीरे फैलते रहते हैं। इनका जो नेचर ऑफ डैमेज है काटते कैसे हैं ये जो लीफ होगी, ठीक है, कोई भी लीफ है उसको ये क्या है कट कर करके खाते हैं यानी कि उसके अंदर होल बना देंगे, है ना, उसको खा जाते हैं ये, ऐसे ना जगह जगह आपको होल दिखेंगे, जगह जगह से क्या करते हैं लीफ को खा जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से क्या है होल बना देते हैं लीफ के ऊपर, ठीक है। ये क्या है इनका नेचर ऑफ डैमेज है, यानी स्टार्टिंग में तो ग्रुप में करेंगे और बाद में धीरे धीरे क्या है एक एक जो है कैटरपिलर वो अलग अलग लीफ पे हो जाती है एक या दो और फिर वहाँ पे
फीड करती है। इसके बाद की जो स्टेज आती है यानी कि जो प्यूपा वाली स्टेज है, इस कंडीशन में क्या होता है कि ये सबसे पहले क्या करेंगे, जब ये प्यूपा में कन्वर्ट होने वाले होते हैं तब ये क्या करते हैं, सोइल में जाते हैं। ठीक है, जो लीफ है लीफ से क्या करेंगे, नीचे सोइल के अंदर आएंगे। सोइल में आने के बाद कुछ गहराई पर जाके वहाँ पे क्या है, इनका प्यूपेशन होता है। ठीक है, क्या करते हैं ये प्यूपा में बदलते हैं। ठीक है, प्यूपा में बदलेंगे, यहाँ से फिर क्या है, जो एडल्ट निकल के आता है, एडल्ट का जो मेन काम है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एडल्ट बाहर आएगा। ये जो एडल्ट है इसका मेन जो काम है वो क्या है, सिर्फ बात करें तो रिप्रोडक्शन या फिर बात करें जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए होता है, बाकी इसका खास जो है डैमेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ ध्यान रखना एक चीज़, मैं आपको ये जब भी नेचर ऑफ डैमेज करवाता हूँ तो इसके साथ साथ मैं आपको लाइफ साइकिल भी कवर करवाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग में एगलिंग होती है, उसके बाद कैसे वो इमर्ज होते हैं और कैसे जो है जो डैमेज करते हैं, उसके बाद प्यूपा बनता है, एडल्ट बनता है, हर पेस्ट में ऐसे ही बताता हूँ मैं। तो यहाँ ध्यान रखना मैं दोनों चीज़ें एक साथ बताता हूँ। अगर नेचर ऑफ डैमेज आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, मान ली इसी पेस्ट की बात करते हैं, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया गया कि आपको टोबेको कैटरपिलर की नेचर ऑफ डैमेज बतानी है, तो इसमें आपको क्या करना है, आप ये पूरा इतना सारा नहीं लिखोगे उसके अंदर। ठीक है, आपको लिखना क्या है वो मैं बता दूँ। सबसे पहले तो आप लिखोगे कि इस पेस्ट की जो कैटरपिलर स्टेज है, लार्वा लिख देना, उसके बाद ब्रैकेट में कैटरपिलर, कि इस पेस्ट की कैटरपिलर अवस्था है वो नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, और सिर्फ यही अवस्था नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसके बाद लिखना कि प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में जब एग से हैचिंग होने के बाद कैटरपिलर बाहर निकल के आते हैं तो ये बहुत संख्या में या फिर एक साथ झुंड बना के लीफ के ऊपर पत्तियों के ऊपर अटैक करते हैं, फिर बाद में क्या है धीरे धीरे ये फैल जाते हैं दूसरी लीव्स पे या फिर दूसरे प्लांट्स पे, और वहाँ जो पत्तियों को क्या करते हैं ये काट काट कर उनको नुकसान पहुँचाते हैं, उनके अंदर होल बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके क्या होते हैं, काटने और चबाने वाले। लेपिडोप्टेरा पेस्ट की जितनी भी कैटरपिलर होगी उन सब में क्या होंगे, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप। ठीक है, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट होंगे, हिंदी में इनको बोलते हैं काटने और चबाने वाले। ठीक है, काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो इस ये क्या करेंगे, लीव्स को काट काट कर उनको नुकसान पहुंचाएंगे, और उसके बाद क्या है, बस आपको नेचर ऑफ डैमेज में यही लिखना है। ठीक है, यही सब लिखना है। अगर बात करें प्यूपा की, एडल्ट की, इनके बारे में नहीं लिखना है क्योंकि वो तो इसके लाइफ साइकिल में आ गया। नेचर ऑफ डैमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षति प्रवृत्ति, क्षति प्रवृत्ति, यानी कि ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं आपको सिर्फ वो बताना है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, नेचर ऑफ डैमेज हो गया। बाद में बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया लाइफ साइकिल के बारे में, लेकिन और बता देता हूँ कि लाइफ साइकिल में मैंने आपको बताया लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। अब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हुआ कि इसके लाइफ साइकिल में क्या होगी, चार स्टेज होगी, फोर स्टेजेस होगी। अब वो स्टेजेस कौन कौन सी होगी, एग, लार्वा या जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, प्यूपा एंड एडल्ट, ये चार स्टेज होगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एग की। तो एग जो स्टेज है तो इसमें आप क्या लिखोगे कि एगलिंग जो की जाती है एडल्ट के द्वारा वो ग्रुप में की जाती है। ठीक है, ग्रुप में की जाती है, और ये जो एग्स हैं ये क्या है, ये डेंस ब्राउन, ठीक है, गहरे भूरे रंग के हेयर्स से ढके हुए रहते हैं। ठीक है, लिखा हो ना, ग्रुप के अंदर लगभग 500 एग्स दिए जाते हैं, कवर्ड विद ब्राउन हेयर्स, यानी कि भूरे कलर के जो है उन हेयर से क्या है, ढके हुए रहते हैं ये। ठीक है, ये लिखना है आपको एग में। इसके साथ साथ है ना, अगर आपको एग्ज़ाम में सिर्फ लाइफ साइकिल पूछा जाता है तो लाइफ साइकिल में इतनी चीज़ें लिखने के बाद जो मैं आपको साइकिल बना के रिप्रेजेंट करता हूँ उसको ज़रूर करना है ना। वो क्या करता है साइकिल, वो इसको डिस्क्राइब करता है पूरा लाइफ साइकिल जो है, यानी कि एग से जब निम्फ बनेगा, सॉरी जो लार्वा बनेगा, प्यूपा एडल्ट बनेगा, उसमें कितना कितना टाइम लगता है ना, एक पूरा, या देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लाइफ साइकिल है ना,
लाइफ साइकिल में क्या गया है ये पूरा डिस्क्राइब करता है, जो चीज़ें मैं वहाँ बता रहा हूँ ना उसको पूरा डिस्क्राइब करता है। आप अगर लाइफ साइकिल आपसे पूछा जाए तो एग्ज़ाम में आप क्या किए, सबसे पहले ये बनाना लाइफ साइकिल, लिख के ऐसे एक सर्कल बनाना पूरा, उसके अंदर ये सब लिख देना है, एक लार्वा जैसे लिखा हुआ है, टाइम लिख दिया इनका कैसे कैसे क्या होता है। अब आपको इसी को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, लिख दिया, अब इसको डिस्क्राइब करना है। जैसे एग्स की बात करें तो एग्स से स्टार्ट करोगे, है ना, तो एग्स में क्या लिखोगे, एगलिंग ग्रुप में की जाती है, और ग्रुप में एग में स्टार्ट कहाँ से करोगे, एग की जिस स्टेज से स्टार्ट करो उससे पहले वाली स्टेज को लेके चलना। क्यों, अगर मैं बात करूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर एग की बात करोगे तो एग जो है वो आया कहाँ से, एग का प्रोडक्शन जो हुआ ना वो आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले क्या लिखोगे कि जो फीमेल होती है ना, वो रिप्रोडक्शन के 7 से 10 दिन बाद क्या है, एगलिंग स्टार्ट करती है। इसके बाद लिखना एगलिंग जो है वो ग्रुप में की जाती है, ठीक है, और लीफ पे ग्रुप में की जाती है, और 500 के आसपास एक ग्रुप में एग्स होते हैं, ठीक है, और इससे फिर क्या है 3 से 5 दिन बाद हैचिंग होती है, और हैचिंग होने के बाद लार्वा निकल के आता है, फिर आपको लार्वा को डिस्क्राइब करना है, फिर ऐसे ही प्यूपा को और एडल्ट को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना भी है ना। चलिए बात करते हैं, यहाँ हो गई थी बात अपने एग की, तो ग्रुप में दिए जाते हैं और 500 के आसपास एग दिए जाते हैं एक ग्रुप में। फिर बात करते हैं कैटरपिलर की, सेकंड जो स्टेज है लार्वा, लार्वा या कैटरपिलर एक ही चीज़ है। लार्वा एक कॉमन टर्म है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लार्वा एक कॉमन टर्म है जो यूज़ किया जाता है हर जो ऑर्डर है, कि कोई भी ऑर्डर है उसकी जो स्टेज होती है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, कॉमन नाम लार्वा, लेकिन इसको बाद में अलग अलग जो है उनके हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से इनको नाम दिया गया है। जैसे अगर बात करें लेपिडोप्टेरा तो उसमें इसको कैटरपिलर बोल देते हैं, डिप्टेरा में मैगट बोल देते हैं, है ना, तो ऐसे, ठीक है, ये हो गया कैटरपिलर। अब कैटरपिलर में क्या होगा, यानी जो लार्वा है ये लाइट कलर, सबसे पहले तो लाइट येलो कलर होता है इसका, ठीक है, उस पर क्या है डार्क मार्किंग्स होते हैं, यानी कि गहरे रंग के निशान बने हुए रहते हैं बहुत सारे। फिर अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, साइज़ इसका 30 mm, ये जो साइज़ दिया गया है ये क्या है, इसका मैक्सिमम साइज़ है ना, 30 mm जो आपको कहा गया है, यानी कि ये मोल्टिंग होने के बाद 4 से 5 मोल्टिंग होती है इसके अंदर भी, है ना, तो मोल्टिंग होने के बाद जो है फाइनल साइज़ बताया गया है। इसके साथ साथ क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी जो होती है उस पर लास्ट जो सेगमेंट्स होते हैं ना, हाइंड मतलब बॉडी के जस्ट बिल्कुल पीछे, बैक पीठ जिसको बोलते हैं ना, पीठ पे क्या होता है इसके लेटरल साइड में, यानी कि मान लो ये है तो इसके लेटरल साइड में एक तो इस साइड, एक इसके जस्ट अपोजिट साइड, है ना, दो क्या होते हैं ऐसे दो येलो कलर की स्ट्रिप्स होती है, एक इस साइड होगी और एक जस्ट इसके दूसरी साइड, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ की, इस ये पीठ है इसकी, ये पीठ है, तो यहाँ होगी एक तो येलो कलर की मार्किंग और एक जस्ट इस साइड होगी, है ना, और एक जो मार्किंग होती है वो वेंट्रल साइड में नीचे की साइड होती है ना, तीन येलो कलर की क्या होती है, स्ट्रिप्स होती है, ये इसकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन है ना, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके साथ साथ क्या होता है, इसकी बॉडी पे वाइट कलर की क्या है, क्रॉस लाइंस होती है, वाइट कलर की लाइंस दिखेगी आपको ऐसे इसकी बॉडी के ऊपर, अभी जो आगे हम देखेंगे इसके डायग्राम बताऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा आपको। फिर है प्यूपा, ठीक है, प्यूपा स्टेज, तो प्यूपा इसका जो बनेगा, अभी मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, लार्वा जो होगा ये कैटरपिलर फीड करने के बाद जब 4-5 बार मोल्टिंग हो जाएगी, उसके बाद इसको जब कन्वर्ट होना होता है प्यूपा में, तो ये क्या करता है कि लीफ से नीचे आके और सोइल के अंदर चला जाता है, और सोइल के अंदर क्या है, अर्थन कोकून, ठीक है। अब दो तीन चीज़ें होती हैं मैं आपको बोलता हूँ, एक तो होता है अर्थन कोकून, कोकून तो बनाएगा ही बनाएगा, कोकून का मतलब क्या है, अपने चारों ओर एक आवरण बनाता है जिसके अंदर क्या है वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और प्यूपा से एडल्ट में, उसको प्यूपा बोलते हैं, और प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो अर्थन कोकून का मतलब क्या है, जो अपने चारों ओर मिट्टी का आवरण बनाता है उसको अर्थन कोकून बोलते हैं। अगर सिल्कन कोकून की बात करूँ, कुछ पेस्ट जो होते हैं उनके लिए क्या यूज़ होता है, सिल्कन कोकून। अब यहाँ सिल्कन का मतलब क्या है कि अपने चारों ओर जैसे सिल्क होती है ना, रेशम, रेशम के धागे जो होते हैं उनसे क्या है अपने आप को कवर करके, और फिर उसके अंदर वो प्यूपा में और एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अर्थन कोकून बना के क्या है उसके अंदर कन्वर्ट होंगे, डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का होगा, और इसके बाद क्या होता है इससे एडल्ट बाहर निकल के आते हैं। आपको ध्यान रखना है बस यही,
कि कहाँ होता है, सोइल के अंदर। प्यूपेशन कई बार पूछ लेते हैं, तो इसका प्यूपेशन जो है या फिर प्यूपा का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, सोइल के अंदर होता है। फिर बात करेंगे एडल्ट की, ठीक है, प्रौढ़ कीट जो होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रौढ़, तो इसमें प्रौढ़ जो होता है वो भी क्या है, ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का, लेकिन उसकी जो विंग्स होती है, फोर विंग्स जो होती है, आगे वाली जो जोड़ी पंख होती है उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे क्या है, वाइट कलर की आड़ी तिरछी आपको ऐसे लाइंस में नहीं हुई दिखेगी, ठीक है, उसके विंग्स पे पिछले जो विंग्स होते हैं उनको, वो वाइट कलर के होते हैं, उसमें कुछ खास नहीं होता चेंज। तो लाइट टू डार्क ब्राउन कलर होता है इसका, ठीक है, पहले क्या होता है कम गहरा होता है और फिर बाद में धीरे धीरे क्या है वो गहरा होता जाता है इसका जो कलर है। साइज होता है इसका 22 mm, बॉडी साइज तो 22 mm होता है, ठीक है, लेकिन जो विंग का जो स्प्रेड होता है यानी कि पंखों का जो फैलाव होता है ना, मौत होता है, ये एडल्ट क्या होता है, एक मौत है। इस मौत की विंग मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में मान लो बैठा है ना, तो इसकी जब विंग का जो होता है ना फैलाव, विंग्स की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो साइज है ना ये क्या है इसका 40 mm होता है, 40 mm। बॉडी साइज तो क्या है 22 mm के आसपास होता है, लेकिन पंखों का जो फैलाव होता है वो 40 mm के आसपास होता है, ठीक है। ये हो गया एडल्ट, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ये हो गया इसका पंखों का जो फैलाव है, फोर विंग्स जो होती है वो क्या है, विद क्रॉस वाइट स्ट्रिप्स, है ना, क्रॉस में आड़ी और तिरछी दोनों तरीके से क्या होती है, क्रॉस जो है वाइट कलर के स्ट्रिप्स बनी होती है इसके ऊपर, विंग्स फोर विंग्स के ऊपर आगे वाली जो पंख होती है, और हाइंड विंग्स जो होती है वो क्या है वाइट कलर की, ठीक है। ये हो गया इसके चारों स्टेज। अब इसका डायग्राम देख लो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है कैटरपिलर, कैटरपिलर स्टेज है, कैटरपिलर में दिख रहा है आपको, ये यहाँ दिखाई दे रहा है सबको, ये क्या है जो मैं अभी आपको बता रहा था, येलो कलर की जो मार्जिन में आपको बता रहा था वो, ये दिख रही है सबको, एक मिनट में जूम आउट कर देता हूँ, है ना, ये येलो कलर की क्या होती है लाइंस बनी होती है, स्ट्रिप बनी होती है, एक इस साइड होती है, दोनों लेटरल साइड इस साइड और इसके जस्ट अपोजिट साइड, और एक जो वेंट्रल साइड होती है वहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये देखो वाइट कलर की मैंने बताया ना आपको, ऐसे स्ट्रिप्स बनी हुई होती है, तो ये वाइट कलर की स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये क्या है जो टोबैको कैटरपिलर है उसकी लार्वल स्टेज जो है। यहाँ पे क्या है, ये जो डायग्राम है ये चारों स्टेज को दिखा रहा है, ये क्या है इसके एग्स हैं मास के अंदर, एग मास ग्रुप के अंदर, ठीक है, फिर इससे क्या है ये लार्वा है, ठीक है, लार्वा से फिर प्यूपा बनता है, इस टाइप का प्यूपा होता है इसका ब्राउन कलर का, और उसके बाद ये एडल्ट, ठीक है, ये चारों स्टेज है एडल्ट, ये देख लो एडल्ट मैंने बात कर रहा था, तो एडल्ट में फोर विंग्स जो होती है इसके ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये है ना वाइट कलर की आड़ी तिरछी क्या है लाइंस बनी होती है, ठीक है, स्ट्रिप्स बनी होती है, ये इसके क्या है आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये दिखता कैसे है। फिर बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल को, अपने पढ़ ही चुके थे, ठीक है, एग है उससे 3 से 5 दिन बाद क्या है लार्वा बनेगा, लार्वा से 15 से 30 दिन बाद में प्यूपा बनता है, और प्यूपा से 9 से 30 दिन के बाद क्या है एडल्ट स्टेज बनती है, और एडल्ट क्या है रिप्रोडक्शन होने के बाद 7 से 10 दिन बाद क्या है फिर दोबारा एग लेइंग स्टार्ट कर देती है। एक साल में इसकी 7 से 8 जनरेशन पाई जाती है, ठीक है, 7 से 8 पीढ़ियाँ कंप्लीट हो जाती है एक विद इन 1 ईयर। टोटल लाइफ साइकिल जो होता है इसका वो कितना होता है 34 to 75 days, और मेटामॉर्फोसिस कैसा होता है इसका कंप्लीट, है ना, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। फिर बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या क्या ध्यान रखना आपको, सबसे पहले तो डिस्ट्रॉय एग मासेस, यानी कि जो आपको ग्रुप में फील्ड में जब आप सर्वे या सर्वे के लिए जाते हो, या फिर फील्ड के अंदर हम जब क्या है पौधों को ध्यान से देखते हैं, तो अगर आपको उन पे एग मासेस दिखाई दें यानी कि जो एग्स हैं उनके ग्रुप दिखाई दे, तो उनको हम क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, फिर डीप्लोइंग करते हैं ताकि कि जो प्यूपल स्टेज जो है सोइल के अंदर बनती है उसको नष्ट कर सकें।
लाइट रेप मैंने आपको पहले ही बता दिया, नोक्टुइडी, नोक्टुइडी फैमिली जो है, नोक्टुइडी की ज़रूरी नहीं है बात करें, जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है ना पूरे ऑर्डर के लिए क्या है मोस्टली यूज़ लिए जाते हैं जो है लाइट रेप्स, ठीक है। इससे क्या होता है रात के समय में इनको फील्ड में लगा देते हैं, उससे क्या होता है इसके ऊपर जो बल्ब लगा रहता है या फिर ट्यूबलाइट जो लगी रहती है उसको जो रोशनी होती है उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं ये, और उससे टकरा के फिर नीचे हम जो किसी पात्र के अंदर जो केमिकल्स रखते हैं उसके थ्रू क्या होता है इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइट ट्रैप हो गया। इसके बाद बात करेंगे कुछ केमिकल की, तो डस्ट सबसे पहले तो क्या है फील्ड में कुछ डस्ट को हम क्या करते हैं बुरका देते हैं, जिससे क्या है कि इनका डैमेज जो है वो कुछ हद तक कम किया जा सके। तो मेलाथियन 5% डस्ट को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ लेते हैं, या फिर कार्बेरिल की 5% डस्ट है उसको भी क्या है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दोनों में से किसी एक को यूज़ लिया जाता है, ठीक है, डस्टिंग के लिए। फिर है स्प्रे, स्प्रे की बात करें तो इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC या फिर स्पाइनोसेट 2.5 SC की 200 ml या फिर 600 ml जो मात्रा है इसको यूज़ लिया जाता है स्प्रे के लिए, ठीक है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर NSK 5% NSK का घोल बना के लीव्स के ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि वो फीड ना कर पाए, और NPV का 0.1% सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। अब यहाँ मैंने आपको पिछली जो क्लास हुई थी ग्राम के पेस्ट हम जब पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी HANPV, उसका मतलब क्या था हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा NPV है ना। HANPV क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको यूज़ लिया जाता है जो आपका पेस्ट है ना उसको हेलिकोवर्पा या ग्राम कैटरपिलर जो पेस्ट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं HANPV। और इसके लिए जो यूज होता है ना ये क्या है स्पोडोप्टेरा लिटोरा, तो इसके लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं SLNPV, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर सेम है, वैसे ये किल करता है जैसे हेलिकोवर्पा किल करता है, और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया डिटेल में। फिर इसके अलावा कुछ नेचुरल एनिमीज हैं, ये क्या है नेचुरल एनिमीज हैं जो यूज़ लिए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए इनको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्यूपिवोरा प्रोडिनी, तो ये क्या करता है ये इसकी जो लार्वल स्टेज जो होती है ना लार्वल जो स्टेज होती है या फिर कैटरपिलर जो अवस्था होती है उसके ऊपर क्या है एज ए पैरासाइट के रूप में रहता है और उसको किल करता है, ठीक है। ट्राइकोस्पिलस प्यूपिवोरा, ये क्या है प्यूपिवोरा, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा ट्राइकोस्पिलस प्यूपिवोरा, यानी कि ये क्या है प्यूपल जो स्टेज होती है उसके ऊपर पैरासाइट या पैरास्टोइड के रूप में रहता है और उसको कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका आज का जो पेस्ट है ये कंप्लीट हो चुका है, इसको पढ़ लेना भी अच्छे से, ठीक है, टोबैको कैटरपिलर को। इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें किसी नई क्रॉप के पेस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।